साथियों, सिलेक्शन माइंड ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। शिव प्रसाद शुक्ला को सभापति वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। यह समिति करती क्या है? यह सदन के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार के व्यवहार की जांच करती है। फिक्की के साथ हुई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आपातकालीन ऋण व्यवस्था के चलते आपातकालीन ऋण व्यवस्था के कारण बैंक एमएसएमई को सहायता देने से मना नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो मंत्रालय में सीधे इसकी शिकायत की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के फाइनल को संबोधित करेंगे। इसका पहला संस्करण 2017 में हुआ था। यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु का लोकार्पण किया। यह कहाँ है? पटना में। पद्मश्री सोनम छिरिंग लेपचा का निधन हुआ। ये कौन थे? लोक संगीतकार थे। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें कोविड-19 और पर्यावरण के बारे में बात की गई। गौरतलब की बात यह है कि 2021 में ब्रिक्स देशों के समूह का अध्यक्ष भारत रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। पहले हैं वरुण श्रीधर, इन्हें पेटीएम मनी का सीईओ बनाया गया है। और दूसरे हैं गुजरात का कैडर के आईएएस ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी मतलब निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।